इसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेस किया है, कुछ प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। इसके ऊपर में लगेगा ताकि वो स्क्रैच होगा तो ये होगा हमारा, वो जो ओरिजिनल लेंस है अच्छा से गिरे तो ये आराम से टूट सकता है, तो इसको सेफ रखने के लिए मैं इसको यूज इस तरह से करूँगा। और ये हालांकि ब्लैक नज़र आ रहा है बट ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और इन हैंड फीलिंग जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव, और एक्चुअली एक्सपेंसिव है भी। आप अगर 35,000 का यदि फ़ोन यूज़ करते हैं और लोकल कोई चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको थोड़ा। हाय गाइस, माय नेम इज सतीश एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। गाइस, आज के वीडियो का डिस्क्लाइमर ये है कि आपके पास अगर यदि नथिंग फोन वन है तभी ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड वॉच माय अनदर टेक वीडियोस, बहुत सारे हैं उसको जाके देख सकते हैं। अगर यदि आप ऑन करते हैं नथिंग फोन वन या फिर लेने का प्लान बना रहे हैं नथिंग फोन वन तभी इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप स्किप करके दूसरे वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और आज मैं बहुत सारे नहीं बस दो चार आइटम्स जो एसेसरीज हैं, कुछ कुछ जरूरी प्रोडक्ट हैं जो कि आपको लेने पड़ेंगे अगर आप यदि नथिंग फोन वन लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपके पास है ऑलरेडी। तो आइए उस प्रोडक्ट को देखते हैं और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट है सारा डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। आप ये वीडियो फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, ये है सारे प्रोडक्ट जो मैंने नथिंग फोन वन के लिए परचेस किया रिसेंटली, और रिसेंटली आया है, मैंने ये फ़ोन भी रिसेंटली परचेस किया है। तो क्या क्या प्रोडक्ट है देखिए, 1, 2, 3 और 1, 4, ये टोटल 4 प्रोडक्ट है। 4 प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और क्या क्या प्रोडक्ट है वो आपके सामने होगा। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं, शायद ये जरूरी होगा आपके लिए। तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। तो पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग कैसा है और क्या प्रोडक्ट है और कैसे हालत में आया है। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें से कुछ प्रोडक्ट मैंने अमेज़न से परचेस किया है, कुछ प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। तो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन चेक करके इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप नथिंग फोन वन लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपके पास है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन से जाके परचेस कर सकते हैं इजीली से, सारा का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो जैसा कि देख रहे हैं गाइस, 1, 2, 3 और 4, 5 प्रोडक्ट है, और इसको मैं एक एक करके अनबॉक्सिंग करता हूँ। हो सके वीडियो थोड़ा लेंथ का हो जाएगा तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और आपके पास अगर यदि नथिंग फोन वन है तो आप इसको आराम से परचेस कर सकते हैं, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फर्स्ट तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरे फ़ोन के साथ ऑलरेडी आया हुआ था, और इसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया हुआ है, बस इसको आपको दिखाना है कि इसमें से एक ही चीज़ आता है जो कि आपको सबको पता है, ये केबल एक ही आता है जो कि आपको पता है, इसके साथ चार्जर नहीं आता है। तो ये C2C केबल है जो जिसके साथ चार्जर नहीं आता है, तो इस सारे को मैं साइड में कर देता हूँ। और ये C2C केबल सिर्फ आता है और चार्जिंग ब्रिक इसके साथ नहीं आता है। तो मैं चार्जिंग ब्रिक के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट से मैंने ओरिजिनल इसका जो नथिंग फोन वन का ओरिजिनल चार्जिंग ब्रिक आता है तो उसको ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से ही। तो इसका अप्रॉक्स 2500 इसका प्राइस है, 500 समथिंग है, मतलब कुछ लगभग 2600 रुपया है। तो इसका अनबॉक्सिंग करने का स्टाइल भी सेम है जैसे नथिंग फोन वन का है, इसके पुल ऑफ करना है और बड़े ही आराम से निकल जाता है। इसको जैसे ही निकालते हैं इसका बॉक्स इस तरह से निकलता है, और इसमें भी और इसमें कुछ नहीं है, यूज़र गाइड है और इसका पावर ब्रिक है, और इसके साथ केबल वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके साथ इस सबको बॉक्स को साइड में रखते हैं, और ये पावर ब्रिक देखिए आपको, ये 45 वॉट का है, मगर ये नथिंग फोन वन जो है वो सपोर्ट करता है सिर्फ 33 वाट का, बट ये चार्जर इसके साथ आता है वो 45 वाट का आता है। अब ये PD चार्जिंग नहीं है, हालांकि इतने प्राइस में PD चार्जिंग देता तो अच्छा रहता, और फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा चार्जिंग स्पीड भी रहता तो ज़्यादा है, फ़ोन सपोर्ट भी करता है आपको 33 वाट का ही, और चार्जिंग देखने में बहुत
इन हैंड फीलिंग जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है, और देखने से ही लगता है ये जो एप्पल के चार्जर होते हैं उससे भी अच्छा क्वालिटी का है। इसमें कुछ ग्लास मटेरियल दिया हुआ है जो ऊपर से आई थिंक कवर किया हुआ है, और ये सी टू सी कनेक्टेड है। मैं तो सोच रहा था शायद सैमसंग के फ़ोन से चार्ज करूँगा, बट ये ले लिया तो अच्छा किया, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मेरे यूजर्स का होगा, अच्छा से काम करेगा। और ये इन हैंड फीलिंग जो होता है, जैसे नथिंग फोन वन का इन हैंड फीलिंग बहुत है, आपको छूने से ही थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगेगा उस तरह से, तो आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। यदि आप नथिंग फोन वन है आपके पास तो ओरिजिनल चार्जर ले लीजिए, या फिर आप गजे लेने का प्लान बना रहे हैं तो ओरिजिनल चार्जर के साथ ही उसको परचेज़ कीजिए, ताकि आपको चार्जिंग स्पीड भी अच्छा मिले। तो ये 45 वाट का है, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मैंने इसके लिए लिया था, तो इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो गाइस ये है दूसरा प्रोडक्ट, तो इसको मैं पहले कटिंग करता हूँ। इसमें क्या है देखते हैं। ये तो पैकिंग बहुत अच्छा किया हुआ है। ये मैंने कैमरा का जो लेंस है, ये लेंस का प्रोटेक्टर मंगाया हुआ था, जो कि ये जो लेंस है ना, ये लेंस थोड़ा निकला हुआ है, ताकि अगर यदि आप ऐसे रखेंगे, पर ऐसे में हालांकि रखता नहीं है, बट अगर यदि ऐसे आप रखते हैं तो इसमें स्क्रैच आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये मंगाया था। तो इसके भी पैकेजिंग तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो बबल रैप से कुछ इस तरह से पैकिंग हुआ है जैसे कि कोई डायमंड आया है। देखिए इतना पैकिंग है, देखिए फास्ट फॉरवर्ड में भी दिखाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा। देखिए इतना सारा बबल रैप छोटे से प्रोडक्ट के लिए, इसके अंदर और भी है। फाइनली ये है प्रोडक्ट, देखने में तो बहुत अच्छा है। ये कुछ इस तरह से आया हुआ है, इसका जो कैमरा लेंसेस है इसके ऊपर में लगेगा, ताकि वो स्क्रैच होगा तो ये होगा हमारा, वो जो ओरिजिनल लेंस है उसको कुछ नहीं होगा, तो इसको मैं फिट करूँगा। तो ये है एक प्रोडक्ट, और ये काफ़ी सेफ से ही आया है। ऐसे आपको लेने का प्लान है तो इसको परचेस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखने में बहुत खूबसूरत है। तो ये एक है। फिर तो गाइस अगली प्रोडक्ट भी मेरा फ्लिपकार्ट से ही आया है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये है रिंके का केस, जो कि मेरे नथिंग फोन वन को सेफ रखेगा। यहाँ से ओपन करते हैं, इसमें कुछ यूजर डिटेल दिया हुआ है जिसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में। और ये केस जो है गाइस ये पॉलीकार्बोनेट का है, और ये पीला आई थिंक नहीं पड़ेगा, बट इसका जो क्लियर ग्लास भी आता है ये स्मोकी ब्लैक है, कलर का है। स्मोकी ब्लैक मैंने इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि जो इसके साइड है ये आपको सिलिकॉन के हैं, जो कि पीला पड़ जाता है। बट आपको यदि क्लियर केस लेते हैं, पूरा क्लियर जो एक रहता ट्रांसपेरेंट होता है, अगर यदि उसको लेते हैं तो इसमें चांसेस रहता है ये साइड का पीला होने का, बट ये है स्मोकी ब्लैक कलर का है, जो आपको अमेज़ॉन में फ्लिपकार्ट में दोनों जगह मिल जाएगा, तो आप कहीं से परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैं दोनों जगह का लिंक दे दूंगा आपको। तो ये कुछ केस है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये मुझे 1500 के आसपास पड़ा है, तो ये वैल्यू फॉर मनी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से उतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है, बट हाँ सेफ है, सेफ रखेगा आपको यदि, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये कम्प्लीटली ग्लास का है, आगे भी है पीछे भी है, कम्प्लीटली ग्लास का है। एक बार जहाँ गिर गया तो फिर ये ग्लास, हालांकि इसमें कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास आता है जो 5 का प्रोटेक्शन होता है, बट वो कितना भी रहे ग्लास ग्लास ही होता है, अगर ये अच्छा से गिरे तो ये आराम से टूट सकता है। तो इसको सेफ रखने के लिए मैं इसको यूज़
करूँगा। तो इसको मैंने एक ऑर्डर किया था, इसको मैं सेटअप करूँगा तो मैं आपको शॉर्ट में डाल दूँगा, पूरा लेंथ वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी सेटअप नहीं कर रहा हूँ। इसका और इसका दोनों का मैं सेटअप करूँगा तो मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में दोनों आ जाएंगे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में आएंगे कैसे इसको सेटअप करते हैं। तो अभी मैं जस्ट उसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये दोनों है। उसके बाद अगली प्रोडक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं ये भी मैंने अमेज़न से परचेस किया है। तो ये कुछ इस तरह से आया पैकेजिंग में, और इसमें दो ग्लासेस है। देखिए ये बैक का है, ये फ्रंट का है। तो फ्रंट का ऑलरेडी इसमें लगा हुआ आता है, तो फ्रंट का तो मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो फ्रंट का है, फ्रंट का इसमें आता है ऑलरेडी लगा हुआ कंपनी से, तो मैं फ्रंट का इसको यूज़ नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ बैक का यूज़ करूँगा। और इसको भी कैसे इंस्टॉल करना है तो ये भी मेरे शॉर्ट वीडियोस में आ जाएंगे, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल इस तरह से करूँगा, और ये हालांकि ब्लैक नज़र आ रहा है बट ये ट्रांसपेरेंट है। ये जो निकलेगा जब ये कम्प्लीटली स्किन निकल जाएगा, और ये आराम से उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं बैंक में, और स्क्रैचेस से बचाएगा। फ्रंट का मैं अभी रख दूंगा और फ्रंट का मैं बाद में लगाऊंगा, तो वो लगने के बाद किस तरह से लगेगा वो मैं शॉर्ट वीडियोस में डाल दूंगा, तो इसको आप शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, तो यही है सारे प्रोडक्ट गाइस। फर्स्ट ये पावर ब्रिक है, ये टेम्पर ग्लास है फ्रंट और बैक का दोनों का। एक रिंकी का केस है जो ट्रांसपेरेंट है बट स्मोकी ब्लैक कलर में आता है। और ये इसका जो लेंस का कवर है, जो लेंस में मैं इसको यूज़ करूँगा लेंस को स्क्रैच बचाने के लिए। तो यही सारे प्रोडक्ट थे। तो और पावर केबल तो इसके साथ आया ही था, सी टू सी का था। तो ये मैंने सैमसंग का लेने का प्लान बना रहा था, बहुत अच्छा हुआ सैमसंग का नहीं लिया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो इन हैंड फीलिंग है वो आपको लगता है एकदम कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये हालांकि एक्सपेंसिव है, ये 2500 का पड़ा है, आई थिंक 2600 का पड़ा है, जो कि एप्पल के 20 वाट के चार्जर से भी ज़्यादा महंगा है। मैं पहले सोच रहा था कि सैमसंग के फ़ोन से चार्ज करूँगा तो सैमसंग का एक सी का जो अडेप्टर आता है उसको ऑर्डर करूँगा, जो कि आई थिंक 33 वाट का आता है, बट मैंने उसको स्किप किया, तो अच्छा किया। और फिर मैंने सोचा कि एप्पल का कोई 20 वाट का जो चार्जर आता है उसको मैं ऑर्डर करूँगा, तो फिर मैंने उसको भी स्किप कर दिया और फाइनली मैं इसको ऑर्डर किया। बट ये ऑर्डर करके मैं पछता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और इन हैंड फीलिंग जो होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है लग रहा है, और एक्चुअली एक्सपेंसिव है भी। आप अगर 35,000 का यदि फ़ोन यूज़ करते हैं और लोकल कोई चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपको थोड़ा ऑड फील होगा, बट ये इन हैंड फीलिंग अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो सारे प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ, और इसका इंस्टॉलेशन आपको जो भी है आपको मिल जाएगा शॉर्ट में। ओके, तो ये है गाइस सारे प्रोडक्ट। फर्स्ट ये पावर ब्रिक है जो कि 45 वाट का है, और ये केबल मेरे फ़ोन के साथ ऑलरेडी आया था, और एक रिंकी का केस है, और जो टेम्पर ग्लास है फ्रंट और बैक का ये है, और लास्ट में आपको जो लेंसेस का कवर है वो है। तो ये सारे का इंस्टॉलेशन मैं कैसे करूँगा तो आप शॉर्ट वीडियोस में कई दिन मिलेगा, तो शॉर्ट वीडियोस में डाल दूंगा, बट इसको इसमें कई दिन इंक्लूड करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, कवर के टाइम में मैंने बहुत सारे कवर ऑर्डर किए थे, बहुत सारे कवर मैंने रिटर्न भी किए थे, ताकि मुझे एक जेन्युइन और अच्छा सेफ़ कवर मिले। और इसके लिए मैंने कम से कम 7-8 कवर ऑर्डर किया था, वो सारा मेरे पास डिलीवर हुआ था। बस चेकिंग करते टाइम में जब पता चला कि वो सारे कवर जो प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी बहुत सारे ख़राब थे, और कुछ तो फिट भी नहीं आ रहे थे मेरे फ़ोन के साथ, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। और जो मेरे नथिंग फोन 1 है उसके साथ सूट नहीं कर रहा था, और लूज़ भी हो रहा था बहुत सारे कवर, तो वो सारे कवर मैंने जो ऑर्डर किया था और जिसको रिटर्न कर दिया था उसका भी मैं एक साइड में आपको क्लिप दे दूंगा, ताकि आप उसको ऑर्डर ना करें, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता। हालांकि प्राइस में थोड़ा कम होता है बट वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी, और थोड़ा लुक वाइज भी आपको उतना अच्छा इन हैंड फीलिंग नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको सारे को रिटर्न कर दिया। और ये भी कितने दिन रहता है जो रिंकी का केस, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और कंटिन्यू मैं यूज़ करूँगा तो अपडेट देता रहूँगा। और मैं आपको लोकल शॉप में भी, जो लोकल मार्केट होता है ऑफलाइन मार्केट, वहाँ भी मैं चेक करूँगा, अगर यदि मिल जाता है तो उसका भी मैं लिंक, जो ब्रांड का मिलता है तो उसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बट हाँ, अमेज़न फ्लिपकार्ट दोनों जगह देखा
था बट उतना अच्छा केस मिला नहीं था, यही एक केस जो है थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो इसको मैं यूज़ करूँगा ताकि सेफ्टी अभी रहे फ़िलहाल के लिए, और जब तक कोई नया अच्छा कवर आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये थे सारे प्रोडक्ट गाइस जो कि मैंने नथिंग फ़ोन 1 के लिए परचेज़ किया था। इसलिए मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि अगर आप नथिंग फ़ोन लेने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपके पास है तो ये सारे प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज बहुत ही बेस्ट ऑफ क्लास है, क्योंकि इसका जो इनहैंड फीलिंग है वो भी अच्छा है, और सेफ्टी के लिहाज से कवर हो गया या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया या फिर आपको जो लेंसेज के ग्लास हो गए ये भी आपको सारे तरह से सेफ रखेगा, क्योंकि 35,000 का फ़ोन है तो आप 1-2 हज़ार रुपया और इंक्लूड करेंगे, आई थिंक टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो सारे प्रोडक्ट का मिला के मुझे 3,000 या फिर 4,000 लगभग पड़ा है सारे का प्राइस, जो कि इंक्लूडिंग चार्जर, क्योंकि चार्जिंग का ही थोड़ा एक्सपेंसिव है, जो चार्जिंग है ब्रिक है, जो चार्जिंग ब्रिक है वही थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2,500 का है, और इसका केस है वही थोड़ा 1,300 या 400, ये वेरी करता है प्राइस, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है। आप अगर यदि ऑफर के टाइम लेंगे तो आपको 900-800 में भी मिल जाएगा, तो बट मुझे ये 1,300 का पड़ा है। तो यही दो प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी टेम्पर ग्लास भी 250 रुपये में आता है, जो लेंस है वो भी आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा। तो सारे का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था सारा प्रोडक्ट जो कि आप नथिंग फ़ोन 1 के लिए परचेस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, और आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज़ मिलते हैं कुछ नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और कोई अपडेट लेके अगर यदि आते हैं, अगर यदि कोई अपडेट मिलता है मुझे नथिंग फ़ोन 1 के बारे में और या फिर इससे रिलेटेड कोई भी एसेसरीज आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इसलिए मुझे फॉलो करके रखिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखिए, और मिलते हैं कुछ नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। कोई नई बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।